स्वागत है दोस्तों आप लोग का मेरे चैनल पर। तो आज में जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है एक वॉच की, और ये वॉच अभी अभी न्यू लॉन्च हुई है। इस वॉच का नाम है एम्ब्रेन वाइस ग्लेस, और ये एम्ब्रेन कंपनी की तरफ से आती है। ये इस वॉच के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये वॉच कैसी है, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, ये वैल्यू फॉर मनी वॉच है कि नहीं, और हम इसकी जो हेल्थ ट्रैकिंग है उस पर भी बहुत बड़ी चर्चा करेंगे कि हेल्थ ट्रैकिंग के हिसाब से कैसी है, कॉलिंग कैसी है, तो सारी चीज़ डिटेल में होने वाली इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसके बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस बॉक्स में आप कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे इसमें ब्लूटूथ 5.2 आता है, स्क्रीन साइज 1.78 है, iOS 9 एंड अबव, एंड्रॉयड 6 एंड अबव, चार्जिंग टाइम 3 आवर्स है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान के रखने वाली चीज़ है कि 3 घंटे में फुल चार्ज होती है वॉच, और चार्जिंग टाइप में डुअल पिन मैग्नेटिक चार्जिंग यूएसबी केबल्स के अंदर है, और कंपैटिबल ये आईफोन से भी कनेक्ट होती है और एंड्रॉयड से भी कनेक्ट होती है। इनबिल्ट इसमें माइक है IP68, क्विक रिप्लाई इनबिल्ट माइक तो होगा ही क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है। और यहाँ पे हम इसका प्राइस देखते हैं, यहाँ पे प्राइस इन्होंने मैंशन किया है 5999 का, और मैंने ये मंगाई है 2000 रुपये की, 1999 की। बॉक्स के साइड में भी इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, 1.78 की 8 की एमोल डिस्प्ले। तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ आपको कि 2000 के अंदर अभी तक कोई भी कंपनी एमोल डिस्प्ले नहीं दे रही है, ये एम्ब्रेन ही अभी पहली वॉच लाई है जिसमें 2000 के अंदर आपको एमोल डिस्प्ले मिलती है, और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस, ये बहुत बड़ी चीज़ दी है एम्ब्रेन ने। और मुझे समझ में नहीं कर रहा इन्होंने 2000 रुपये में ये सब चीज़ें कैसे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है, कैसे इन्होंने 2000 रुपये में हमें प्रोवाइड कराया है, क्योंकि 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस अभी तक किसी भी वॉच में, इतने कम रेट में किसी भी वॉच में 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस नहीं है। आप ज़्यादा ज़्यादा 550 या 600 निट्स की देखेंगे पीक ब्राइटनेस, और इससे ऊपर नहीं देखेंगे। ये 1000 निट्स ये आपकी सैमसंग की जो गैलेक्सी वॉच 4 उसमें आती है, तो ये इतनी पीक ब्राइटनेस दी है, तो ये मानना पड़ेगा एम्ब्रेन को, पता नहीं कैसे उन्होंने प्रोवाइड करा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन लेवल क्या बताती है, हार्ट रेट इसके अंदर आता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये भी बहुत बड़ी चीज़ दी है। इस पॉइंट को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो AODs इसमें दी है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये आपको 5000-4000 रुपये से नीचे में नहीं प्रोवाइड करती कोई भी कंपनी वॉच में, तो ये पता नहीं उन्होंने कैसे दिया है। तो ये मैं भी अचंभित हूँ इस चीज़ को लेकर। यूनिपेयर टेक्नोलॉजी आती है, 7 डेज की बैटरी लाइफ है, तो ये तो बाद में चेक करके बताएंगे कितनी बैटरी लाइफ आती है। तो चलिए इस बॉक्स को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो हम ये वॉच निकालते हैं बाहर, तो ये वॉच निकाल ली, और यहाँ पे ये चार्जिंग केबल आती है, आप देख लीजिए कैसी है, ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, और इसको रखते हैं साइड में, वॉच को निकालते हैं हम। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन देखते हैं, इसका डिज़ाइन कैसा है। और इसके स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे, स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे देखिए आप, ये एम्ब्रेन की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पर, और आप डिज़ाइन देख सकते हैं पीछे से, ये हटा देता हूँ, ये देखिए आप पीछे से, ये साइड से आप देखिए, यहाँ पे भी एम्ब्रेन ने अपनी ब्रांडिंग की है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्पीकर है, ये यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, आई थिंक यहीं पे माइक और यहीं पे स्पीकर है। अब इसके स्टिकर को हटाते हैं और इसको ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं बटन को, तो ये ऑन हो गई तुरंत। तो मुझे हैंड फील तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी फील हो रही है, कोई भी चीप क्वालिटी नहीं लग रही मुझे। और इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस जो एमोल्ड डिस्प्ले है, ब्राइटनेस तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए कितनी मस्त, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अब पता नहीं आपको लोगों फ़ोन पर पता चल रही है कि नहीं, लेकिन एमोल्ड डिस्प्ले की बात ही अलग है। ये देखिए यहाँ पर स्टेप्स का कैसे देखिए, मतलब ग्राफिक भी कितनी अच्छी इन्होंने दिखा रखी है कि आप अगर डेटा देखना चाहते हैं कि आप कितने कदम चले हैं, टाइमिंग, मतलब इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कस्टमाइज़ करा है। तो इसे बैक करते हैं, ये देखिए स्टेप्स स्टेप्स बाहर आते हैं, तो अब आप ये देख सकते हैं वॉच का, मैंने यूज़र इंटरफेस खोल दिया है, अब वॉच को ऑन कर दिया मैंने, अब आप ये वॉच का यूज़र इंटरफेस देख सकते हैं। नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो नोटिफिकेशन शो करेगा, लेफ्ट से राइट स्लाइड करेंगे तो ये देखिए आपकी ये शॉर्टकट आ जाती हैं सारी, और ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे तो ब्राइटनेस, टॉर्च, डू नॉट डिस्टर्ब और AOD,
ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। जैसे इसमें AOD बहुत ही 2,000 रुपये में AOD नहीं मिलती, 4,000 रुपये के नीचे तो AOD मैंने आज तक अभी तक देखी नहीं है, पर इसमें प्रोवाइड है। तो ये एक थोड़ी अचंभित करने वाली बात है। इसमें लॉक भी मिलता है, सेटिंग्स भी हैं। तो यहाँ सेटिंग्स खोल के देखिए इसमें क्या क्या आता है। आप एक तो आता है रेस टू वेक, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और AOD में आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास, दो वॉच फेस हैं AOD में। आप ये वाला रखना चाहते हैं, ये वाला कोई सा भी रख सकते हैं। तो बाहर निकलते हैं, क्विक मेन्यू यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्विक मेन्यू जो आपका साइड से स्लाइड करके आया था, मेन्यू स्टाइल, अगर आप जिस तरह के का आपको मेन्यू स्टाइल चाहिए, ये जैसे देखिए, ठीक है। बैक करते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन, इसका साउंड सुन के देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। ये फुल साउंड कर दी मैंने। फिर बैक करते हैं और इन्फो, QR कोड, BT स्विच, रीसेट, टर्न ऑफ। अब इसके हम मेन्यू को खोल लेते हैं। ये देखिए मेन्यू में क्या क्या आता है। एक तो इसमें आता है वर्कआउट आपका, आप आउटडोर रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, आउटडोर साइकिलिंग, बैडमिंटन, योगा, माउंटेनियरिंग, गोल्फ। तो इसमें 100 से ज़्यादा आपको वर्कआउट मोड मिलते हैं। हार्ट रेट इसमें, अब ये चेक करते हैं हार्ट रेट इसकी, फेक हार्ट रेट काउंट करता है कि नहीं। अभी हमने पहनी नहीं है, देखते हैं फेक हार्ट रेट काउंट करता है क्या ये। तो देखते हैं, देखिए इसने फेक हार्ट रेट बिल्कुल भी काउंट नहीं की। तो ये फेक हार्ट रेट नहीं काउंट करता है, जैसे कि मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था पेबल वॉच का, जो मैंने रिव्यू किया था उसमें वो फेक हार्ट रेट को काउंट कर रही थी। ये देखिए अब ये अपने आप ही AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू हो गई है। तो बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे AOD 2,000 रुपये के अंदर। मैं तो बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ कि AOD इन्होंने कैसे दी 2,000 के अंदर। ऊपर से 1,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी, ऊपर से इन्होंने इसमें एमोल्ड डिस्प्ले दी है। तो ये तीन चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी अभी तक इसमें। आगे हम देखते हैं इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की क्वालिटी कैसे है, वो भी देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो आगे देखिए इसमें एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी जैसे आपने जो भी स्टेप्स, डिस्टेंस, इसे खोल के देखते हैं। स्टेप्स को देखते हैं हम, ये देखिए स्टेप्स का जो इन्होंने कस्टमाइजेशन, यूजर इंटरफेस देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब आप कितने स्टेप्स चले हैं और किस टाइम कितना चले हैं, तो ये आपको ज़्यादातर ऐसे वॉच में देखने को नहीं मिलता, आपको फ़ोन ऐप में ही देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वॉच में भी इतने अच्छे तरीके से दिया है। ये देखिए आप कितने किलोमीटर चले हैं वो दिखाएगा, कितनी कैलोरी बर्न की है, तो ग्राफ के तौर पर दिखा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ एमब्रेन ने करी है। तो इन्होंने जो इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बढ़िया काम किया है एमब्रेन के। तो आगे बढ़ते हैं हम, बैक जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन है, कीपैड, कॉन्टैक्ट, रिसेंट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं आप ऐप कनेक्ट करने के बाद। कीपैड चल देखते हैं, 1, 2, 1। तो कीपैड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, रिसेंट। तो रिसेंट कुछ नहीं है। फिर बैक बाहर आते हैं, फिर देखिए SPO2, इसे भी देखते हैं फॉल्स डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। अभी हमने नहीं पहना तो फॉल्स डिटेक्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छा, हाँ देखिए, तो ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, बहुत ही बढ़िया वॉच लगी मुझे तो ये, क्योंकि फॉल्स डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो आगे ब्रीथ, इसमें ब्रीथ का ऑप्शन दिया है। फिर आगे स्ट्रेस, AI वॉइस, गेम भी है इसके अंदर, दो गेम हैं। ये देखिए फ्लैपी बर्ड और 2048, फ्लैपी बर्ड खेल के देखते हैं। ये देखिए गेम ओवर, मुझे तो खेलना भी नहीं आता, साइड तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कैमरा को आप कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हैं, टेक अ फोटो। तो इसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा पहले अपने फ़ोन को इस वॉच से, प्लीज़ कनेक्ट टू द ऐप। तो बाहर निकलते हैं, आगे चलते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, स्लीप, अलार्म, वेदर, फाइंड फोन, मोर में देखते हैं क्या है। मोर में तो टॉर्च है इसके अंदर, से ऑन करके देखते हैं, ये टॉर्च इसे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर भी सही है इसमें, कैलकुलेटर है, वर्ल्ड क्लॉक है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है, और डाई, डायल में क्या है देख करते। अच्छा, ये आप वॉच फेस और ऐप कनेक्ट करने के बाद तो और वॉच फेस मिलेंगे। तो अभी हम वॉच फेस लगाते हैं, ये वाला, ये हमने वॉच फेस लगा लिया। तो जैसा कि आपने देख लिया इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, अब चलिए इसे अपने वॉच से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है और कैसी ट्रैकिंग कैसे करता है, स्टेप्स की क्या अप्रोच रहेगी इसकी, स्टेप्स कैसे काउंट करता है, सब कुछ चेक करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अब ये अपने वॉच को हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। तो कह रहा है स्कैन द QR कोड, तो चलिए स्कैन करते हैं QR कोड को और इसमें निकालते हैं QR कोड को वॉच में। तो ये स्कैन हो गया है, वाइस ग्लेज लिखा हुआ आ गया, देखिए वॉच का नाम
और ये कनेक्ट हो रही है, इसे कंटिन्यू अलाउ एक्सेस दे दें, इसे कॉल हिस्ट्री का एक्सेस हमने दे दिया और ये सक्सेसफुल हो चुकी है, डन। सेटिंग्स अब डन, टर्न ऑन, नोटिफिकेशन एक्सेस दे दिया, अलाउ, ये सब आपको अलाउ करना होगा तभी आप सारे नोटिफिकेशन अपने वॉच में देख पाएंगे फ़ोन की। तो देखिए अब ये हमारा फ़ोन से कनेक्ट है, वॉच हमारी फ़ोन से कनेक्ट हो गई है। तो अब हम देखते हैं इससे कॉल क्वालिटी कैसी आती है। तो कॉल क्वालिटी के लिए सबसे पहले हम खोलते हैं इसका मेन्यू और फ़ोन पे आते हैं, कीपैड से कॉल करते हैं, वन टू वन कीपैड से कॉल करते हैं, देखते हैं कॉल जाती है कि नहीं। Welcome to Airtel. Airtel 5G Plus is now live. तो अभी आप जो कॉल क्वालिटी सुन रहे हैं ये जो आवाज आ रही है ये वॉच से आवाज आ रही है। पंजाबी नहीं, एक दबाओ। For English, press 2. हिंदी के लिए 3 दबाएं। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये वॉच की आवाज़ है। अब यहाँ से देखिए अब कितने अच्छे इसमें ऑप्शन दे रखा है वॉच में, यहाँ से आप अपना माइक भी बंद कर सकते हैं। किसी और भी वॉच में मैंने नहीं देखा अभी तक कि आप अपना माइक बंद कर सकें वॉच से। फिर यहाँ से आप अपनी स्पीकर देखिए इसे कम कर सकते हैं, ये देखिए कम कर दिया, फुल कर दिया। यहाँ से ये देखिए यहाँ से ऑप्शन भी है, वन दबा दिया हमने, एक दबा दिया, देखा आप कितना अच्छे से कनेक्ट हो रही है ये। और इस पे मैं ये जो बीच में फोन का निशान आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फोन में कॉल चली जाएगी, ये फोन में आ गई। देखिए आप अभी फोन में आ गई कॉल, इसे काट देते हैं। अब हम किसी पे कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमने स्पीकर की क्वालिटी तो चेक कर ली कैसी है, अब हम माइक की क्वालिटी चेक करेंगे कि कैसी आती है। तो किसी को फोन करते हैं, चलिए करते हैं, यहाँ से फ़ोन करते हैं, किसे करें, भाई को, भाई तो उठाएगा नहीं, बाइक चला रहा होगा, तो करते हैं मम्मी को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। अब देखिए लिखा हुआ आ गया, हमने मम्मी को फ़ोन किया है, यहाँ से माइक म्यूट भी कर सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है एकदम साफ। अब हमने माइक को म्यूट कर दिया, अब आ रही है? हेलो, अब देखो नहीं जा रही। हेलो हेलो हेलो, देखा नहीं जा रही, नहीं जा रही, हमने माइक म्यूट कर दिया। ऐसे ऑन करते हैं फिर से, हेलो, आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने देख ली माइक की क्वालिटी, देख ली स्पीकर की क्वालिटी, देख ली। तो फ़ोन कॉलिंग के लिए बहुत ही ठीक लगी मुझे, कुछ भी कुछ कमी नहीं लगी थी फ़ोन कॉलिंग के लिए। और अब हम इसके देख चेक करते हैं कि ये हमारे हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कैसी रहेगी, ठीक है। तो अब हमने अपने हाथ में वॉच पहन ली, अब हम चेक करते हैं, जैसे इसकी हार्ट रेट चेक करते हैं, सबसे पहले हार्ट रेट क्या आती है देखते हैं, 95 BPM आई है, तो हार्ट रेट इसकी सही आ रही है 95। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं, तो हम ऐसा करते हैं दूसरी वॉच को पहन के फिर चेक करते हैं दोनों वॉच में मेरी हार्ट रेट क्या आती है, ठीक है। तो दूसरी वॉच भी लेके आते हैं, उसे चेक करेंगे। तो दोस्तों अब हम हार्ट रेट चेक करेंगे इसमें, ठीक है। ये Amazfit की वॉच और ये हमारी वॉच है जो हमने अभी ली है Amrain की, और ये Amazfit की वॉच है। और आप जानते हैं Amazfit की वॉच में अपने ट्रैकिंग हर्ट हेल्थ ट्रैकिंग के लिए Amazfit की वॉच बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम इसलिए चेक कर रहे हैं Amazfit की वॉच और ये हमारी वॉच है, देखते हैं किसमें बीपी, दोनों का बीपी सेम आता है या कितना डिफरेंस आता है। देखिए इसमें 124 बीपी आया है, 122, और इसमें अभी हो रहा है 126, तो बीपी एकदम लगभग सेम आया, सेम आया, देखिए 123 126, तो लगभग सेम बीपी इसने कैलकुलेट किया है, तो बीपी के लिए ठीक है।
हम अब अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल भी 97% आना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 97% के अराउंड ही रहता है। तो अभी देख लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल अभी काउंट 99% आया है, तो ठीक आया ऑक्सीजन लेवल भी। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा चलाऊँ इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी जल्दी अंदर चल रही है मेरे अंदर जल्दी जल्दी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये देखिए एओडी, अब आप देख सकते हैं इसकी एओडी चालू होगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसकी बहुत ही बढ़िया लग रही है, लुक इसकी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए आप साइड से एंगल, साइड एंगल भी देख सकते हैं, साइड एंगल से भी एकदम साफ साफ 9:03 दिख रहा है, और एओडी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों इस वॉच के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो डिज़ाइन के मामले में मैं इसको वॉच को 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन नहीं लगा, नॉर्मल डिज़ाइन है, ख़राब भी नहीं कहेंगे ना ही ज़्यादा अमेजिंग है, नॉर्मल डिज़ाइन लगा मुझे इसका। तो डिज़ाइन के मामले में 10 में से 7 नंबर दूंगा, और कॉलिंग में जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसमें मैं आपको इसमें 10 में से 10 नंबर दूंगा, मुझे कुछ भी कमी नहीं लगी। और हेल्थ मॉनिटरिंग में भी ये 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कूपन नीचे होता है, लेकिन तो वो भी एकदम बढ़िया लगा मेरे को। और जो इसकी ब्राइटनेस है और जो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है उसके लिए मैं इसे 10 में से 11 दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं 10 में से 11 दूंगा, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स दे रखी है, और एमोल डिस्प्ले 2000 रुपये के अंदर अंदर इन्होंने दिए जो एम्ब्रे ने, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है ये वॉच। ओवरऑल 10 में से मैं इसे 9 नंबर दूंगा ओवरऑल में। तो अगर आप लोग इस वॉच के लेना चाहते हैं तो बेहिचक जाइए और इस वॉच को जरूर जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इस वॉच के प्राइस बढ़े भी जाएंगे थोड़े दिनों में। जहां तक मुझे लगता है वॉच के प्राइस जरूर बढ़ेंगे, ये लगभग 2500 के आसपास तो इस वॉच का प्राइस हो ही जाएगा, अभी 2000 में है, तो आप ले सकते हैं जाके। और बहुत ही बढ़िया वॉच लगी मुझे इसमें, कोई कमी नहीं लगी। पेयरिंग में बहुत जल्दी पेयरिंग हो गई, ब्लूटूथ कॉलिंग बहुत बढ़िया है, माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, तो सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा है इसे इस वॉच में। अगर मेरे तरफ से थम्स अप है, आप इसे ले सकते हैं, इस वॉच को ले लीजिए और जरूर लीजिए, कि 2000 के अंदर इतनी अच्छी फीचर वाइज वॉच नहीं मिलेगी आपको। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस वॉच से रिलेटेड जरूर पूछिएगा। तो जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।